देख रहे सब, दो मिनट में निकाल मैं अभी आ रहा। अरे इधर आओ जी, इधर आओ, इधर बंद करो, इधर इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा इधर। चलो अभी 5 दिन पहले एफआईआर रजिस्टर ले लेना भाई। अरे बुलाओ जी, चलो जय जय, दूर हट जाओ भाई, भाई जाओ भाई। अरे जरा बुलाओ जी, चलो जाओ, उधर चलो जी, इधर का जुड़ो रास्ता जाम हो रहा भाई। क्या ग्राउंड में ले लो ना, रास्ता में ग्राउंड में चलो ना, राजेश कुमार डालिया। मैं यहाँ पे बच्चे गांव में खेल रहे थे, पुलिस वाले कुछ बच्चों को धरा के मेरे घर के पास भेजाए थे, मेरे बेटा भी था उसमें। वो बच्चे आके डर के मेरे को बोले थे, पापा पुलिस वाले मेरे को डरा रहे, बोलते वो आए थे पुलिस वाले हमको ग्राउंड में नहीं खेलने दे रहे। हम लोग आ गए तो ठीक है बोल के मैं पुलिस वाले को बात किया। जब तक मैं मुकुंद डोबा आके मेरे को गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ देने लग गया। मुकुंद डोबा माँ ले देखा, बोला भाई ये करनी है। फिर उन्होंने क्या बोला पुलिस वालों को, क्या बोला साहब ऐसा इनके ऊपर कंप्लेंट लिखो, पूरी कॉलोनी वाले मेरे ऊपर अटैक कर रहे बोल के कंप्लेंट लिखो बोल के बोला। बोला ऐसा थोड़ी होता मुकुंद भाई। तो फिर मेरे को माँ बहन की गालियाँ देने लग गया मुकुंद डोबा। वो इलीगल फाइनेंस करता, उसके 3 बेटे वो दामू गुरु, उस बेगम भैया का दामू गुरु है जो महाराज है, वो हम उनको प्रणाम करते हैं। वो दामू गुरु भी उनके साथ था, उन्होंने भी मेरे वो तीनों बेटे थे, वो दामू गुरु भी आने के बाद में मेरे को भी मेरे घर मेरे मिसेस थे भाभी थे उनको भी गालियाँ देके उन्होंने चले गए। फिर मैं बोला भाई गुरु आप पाँव पड़ता हूँ, ये मुकुंद डोबा इलीगल फाइनेंस करता है, वो सबको डरा रहा, वो धमका रहा, वो सबको कुछ को भी खेलने नहीं दे रहा बच्चों लोगों को। और आज मैं उनसे बात करने गए तो मेरे को चारों जने मिलके मारे, और तो मेरे को मर्डर कर देना बोल के। किससे मारे आपको, किससे मारे? मेरे को हाइटो फाइटो से मारे हो, मर्डर कर देता हूँ बोल के बोले। वो चार जने मुकुंद डोबा एंड उसके दो सन्स और उसके भाई, एक तीन चार जने मिलके मेरे को गले में मिलके मारे चारों जने। और उसमें वहाँ पे पुलिस सामने पुलिस की भी गाड़ी थी, लेकिन वो पुलिस वाले ने मेरी कोई मेहनत नहीं की। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ आपके साथ? हाँ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ सर। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करे? नहीं सर, मेरे को कंप्लेंट करने का टाइम ही नहीं देना सर, पुलिस वाले तो सामने थे, तो मुझे कोई लोग चारों जने मारे तो पुलिस वाले ने कुछ मदद नहीं की मेरी। आपको ही मारे और किसी को मारे सर? अभी कहाँ है वो लोग मारे वाले आप? वो एक तो गाड़ी लेके स्कूटर जब भी भाग गया था, मैंने फिटनेस में इन्हों आए थे बचाने के लिए, बचाने के लिए आए। मेरा नाम रितेश करवा है जी, मैं कॉलोनी में एंट्री ले रहा था जब राजू भाई और मुकुंद डोबा दोनों भी बात कर रहे थे पेट्रोलिंग वैन से, और मुकुंद डोबा इनकी माँ बहन की गाड़ी देना चालू कर दी, तो उस वजह से और किलकिली बढ़ने से मुकुंद भाई पहले अटैक करेंगे। उन्होंने तो बोल रहे चार जने मिल के मारे, फिर उसके बाद में विदिन 5 मिनट्स पूरी फैमिली मेंबर्स आ गए अटैक करने के लिए। तो इनको किससे मारे वो लोग? हाथ से पंच। तो वो जो ये लोगों अब इनको जो मारे वो लोग यहीं पर ही रहते क्या? हाँ ग्राउंड के सामने। क्या नाम है वो चार जनों के? मेरे को तो एक का नाम मालूम है, मुकुंद डोबा। और बाकी तीन लोग अलग, उन लोगों का क्या बिजनेस है? आई डोंट नो, इलीगल फाइनेंस है सर।